जिला पंचायत जनपद पंचायत के सदस्यों अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया था। अभी नगरीय निकाय के चुनाव भी कोविड 19 के कारण होने की स्थिति नहीं दिख रही है और इसलिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक या एक साल पहले नगरीय निकायों में प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा और जो योजनाओं की मॉनिटरिंग से लगा के राज्य शासन जो जवाबदारी को सौंपेगी उन कामों को करेगी। शासकीय समिति में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष होंगे और ये प्रशासन और जनता के बीच करने का काम करेंगे और मुझे लगता है कि इससे जनता को लाभ होगा। आज पहली बैठक हुई कैबिनेट की, हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दिन में कैबिनेट की बैठक करेंगे लेकिन अभी प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। कोरोना की समीक्षा की हमारी बैठकें लगातार चलती रहेंगी। आज हमने 24 तारीख से लेकर आज तक 24 मार्च से 21 अप्रैल तक जो फैसले लिए थे उससे कैबिनेट को अवगत कराया। एक नहीं अनेकों फैसले इस दौरान लिए गए। कोरोना संकट से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की, आगे की रणनीति बनाई और हमने मंत्रिमंडल बनाकर और फिलहाल काम का विभाजन भी उनको कर दिया है। कोविड संकट को देखते हुए अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जवाबदारी सौंपी है। श्री नरोत्तम मिश्रा जी को भोपाल जैन संभाग की जिम्मेदारी दी है, श्री तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर संभाग की जिम्मेदारी दी है, श्री कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जवाबदारी दी है, श्री गोविंद सिंह राजपूत को चंबल ग्वालियर संभाग की जवाबदारी दी है और सुश्री मीना सिंह जी को रीवा शहडोल संभाग की जवाबदारी सौंपी है। अब ये निरंतर वहां संपर्क रख के और संपर्क भी प्रशासन से भी रखेंगे, कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, स्वास्थ्य विभाग के लोग, उनके साथ साथ जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, जनता से फीडबैक लेंगे और सब तरह का फीडबैक लेके व्यवस्थाओं को ऐसे बेहतर बनाया जाए इस काम में जुटेंगे। तत्काल हमने काम का विभाजन कर लिया है।